प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड्स पीपल, शालोम ऑन यू। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से कि उसने हम सब लोगों को ये अवसर दिया कि हम यहाँ पर ऑनलाइन जमा हो सकें, ताकि परमेश्वर के संदेश, परमेश्वर की बातों को हम सुन सकें और समझ सकें। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सीएमडी फेलोशिप देहरादून की ओर से आप सबका स्वागत है प्रभु यीशु के नाम में। और इससे पहले कि हम आज की शिक्षा को शुरू करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे कि हम परमेश्वर के वचन को वैसे समझ सके जैसे परमेश्वर चाहता है कि हम समझें। पवित्र पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ करते हैं आज के इस नए दिन में सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवनों में जोड़ा है। आज के दिन तक आपने हमें जीवितों की धरती पर जीवित रखा प्यारे पिता, ताकि हम आज आपकी भलाइयों को अपने जीवन में देख सकें। प्यारे प्रार्थना करते हैं अपने बेशकीमती बहुमूल्य आत्मा के द्वारा से हमारी अगुवाई करें, ताकि हम आपके वचन की गूढ़ गहरी बात को समझ सकें। और पवित्र आत्मा जी सहायता करें कि वचन का बीज हमारे जीवनों में, हमारे दिलों में जड़ पकड़ने पाए, ताकि हम परमेश्वर के मन मुताबिक फल ला सकें। पवित्र आत्मा जी, हम इस वचन को ग्रहण कर सकें अपने जीवन में, फलदायक होने के लिए इसे हम प्रयास कर सकें, ताकि वो फल पैदा हो सके जिसकी अति आवश्यकता है। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद, आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीष। हमारा आज का थीम है फ्रूटलेस फिग ट्री एंड ट्रू वाइन, फल रहित अंजीर का पेड़ और सच्ची दाखलता। डिफरेंस आपको समझना है, मैं यहां से प्रयास करूंगा कि आपको प्रभु की आत्मा में होकर के वो बात समझा सकूं जो प्रभु चाहता है कि उसकी कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि उसकी कलीसिया जानने पाए। मेरे साथ निकालिए आप गॉस्पल ऑफ मार्क चैप्टर 11, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 12, 13 और 14वां पद। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 11 वर्स फ्रॉम 12 to 14, इसका हेडिंग है फल रहित अंजीर का पेड़। यह लिखा है कि दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले तो उसको, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को, भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के शिष्य जो वहां पर उपस्थित थे, वही इस बात को सुन रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ने पेड़ से बात की है, वृक्ष से। लोगों को ऐसा लगता है या लग रहा होगा कुछ लोगों को कि प्रभु यीशु मसीह का चित ठिकाने नहीं है, पेड़ से बात कर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे सर्वशक्तिमान इज़राइल के कर्ता सेनाओं के यहोवा ने मूसा से कहा था कि तू अपनी हाथ में लाठी लिए इस चट्टान से बातें करना और वो तुम्हें अपना पानी देगी। ये अद्भुत बातें हैं। और एक ऐसे व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करता या परमेश्वर के वचन को नहीं मानता, उसकी समझ से बाहर है, उसकी समझ से बाहर है। मूसा को चट्टान से बात करना थी और चट्टान को पानी देना था। ठीक वैसे ही प्रभु यीशु मसीह को अंजीर के पेड़ से बात करनी पड़ी, बोलना पड़ा उसे। यहां लिखा है प्रभु यीशु मसीह जो कि जरूरतमंद था, उसे भूख लगी थी और वो दूर से एक अंजीर के पेड़ को देख करके उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, क्योंकि वो पेड़ हरा भरा था, मजबूत था, बलिष्ठ था, ताकतवर था, तंदुरुस्त था। पत्ते हरे भरे थे, चिकने थे, उसका तना बहुत मजबूत था।
और प्रभु यीशु मसीह इस आशा से, मेरी जो करंट नीड है, मेरी जो इस वक्त की जरूरत है वो भूख मिटाने की है, इस आशा से, इस विश्वास से, इस भरोसे से प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ के पास गए। लिखा है कि एक हरा पेड़ देखकर, सूखा नहीं था, हरा पेड़ देखकर, एक मजबूत तंदुरुस्त एट्रैक्टिव पेड़ देख करके प्रभु यीशु उसके पास गए इस आशा से, क्योंकि उनको भूख लगी थी, उनको फल चाहिए था कि उसमें से कुछ फल तोड़ करके खाएं ताकि उनकी भूख मिट जाए। ये बात को जब मैं पढ़ रहा था तो मैं इस बात पर विचार कर रहा था कि आज भी ऐसे ही बहुत सारे जीवन हैं जो मसीह के कहलाते हैं, अगर प्रभु उनके पास आ जाए अपनी किसी ख्वाहिश, किसी इच्छा को लेकर के, तो शायद उनमें से बहुत सारे लोग प्रभु को तृप्त नहीं कर पाएंगे, प्रभु को प्रभु के मन मुताबिक उत्तर ना देने वाले ऐसे बहुत सारे जीवन हैं, ऐसी बहुत सारी जिंदगियां हैं जो प्रभु को प्रभु के आवश्यकता के अनुसार उत्तर ना दे पाए। हरे भरे हो सकते हैं, तंदुरुस्त हो सकते हैं, हृष्ट पुरुष हो सकते हैं, एक्टिव क्रिश्चियन डिसाइपल हो सकते हैं, लेकिन फ्रूटलेस होने के चांसेस तब भी हैं। कॉन्टिन्यूस फेलोशिप अटेंड करना, चर्च जाना, लगातार दशवांश देना, लगातार प्रभु की बातों को सुनना, उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि उनके जीवन प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए उपहार रहित, प्रतिफल रहित रह जाएं। यह छोटी बात नहीं है। हर एक जिंदगी को, हर एक जीवन को अपने आप को जांचने और परखने की आवश्यकता है, चाहे आराधक हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे सेवक हो, चाहे शिष्य हो या अगुवे हो, कोई भी क्यों ना हो, एक हरा भरा एट्रैक्टिव जीवन हो सकता है जिसे दूसरे लोग देख करके ये कह सकें कि ये खूबसूरत व्यक्ति है, मसीह में मजबूत है, दृढ़ है। लेकिन अगर वो जीवन, वो जिंदगी किसी व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा ना कर पाई हो, ना कर पाए, तो उस मजबूत मसीह जीवन से, उस पुराने मसीह जीवन से क्या लाभ है, क्या लाभ है? इस पेड़ का सड़क के किनारे पे ना होना ही भला था, ये इसके लिए बेहतर होता कि ये यहां पे ना होता। अगर ये यहां पर है और ये हरा भरा है और मजबूत है और तंदुरुस्त है, तो इसके अंदर फल उत्पन्न होना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी राहगीर, कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति, आवश्यकता में पड़ा हुआ व्यक्ति इसको देख करके जरूर इसके पास आएगा, और वो इसके पास आकर के धोखे के अलावा कुछ नहीं पाएगा। मेरे प्रियो, आज अवसर है, समय है आपके और मेरे पास खुद का मूल्यांकन करने का। यदि कोई भी व्यक्ति, बिलीवर हो या नॉन बिलीवर हो, किसी आशा से आपके पास आता है, और मान लीजिए उसकी वो आशा, उसकी वो आवश्यकता हमारे मसीह जिंदगियों से पूरी नहीं हो रही है, तो क्या कहा जाने के योग्य है ये जिंदगियां? आशीषित रहो, दृढ़ता से यहीं पे ठहरे रहो, नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने उसमें पत्तों को छोड़, पत्तों का मतलब होता है खाली बातचीत, स्पिरिचुअल टॉक, स्पिरिचुअल थॉट थिंकिंग, और स्पिरिचुअली जो बातें हैं हमारी, उसके अलावा, बातों के अलावा, डिस्कशन के, आप एक हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं किसी के साथ, आप स्पिरिचुअल किसी बात के ऊपर, बाइबल के किसी एक कलाम को लेकर के, एक जुमले को लेकर के, एक बात को लेकर के आप उसके ऊपर विचार कर सकते हैं, किसी के साथ डिस्कस कर सकते हैं, एक हेल्दी डिस्कशन आपका हो सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां कह रहे हैं कि एक हरा पेड़ देखकर, बाइबल में कहा कि हरा पेड़ देखकर वो उसके पास गया। हो सकता है कभी कभी हमारे जीवन ऐसे, हम बातें तो कर सकते हैं, हम लोग अच्छी बात, अच्छा गा सकते हैं, अच्छा प्रीच कर सकते हैं,
अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा बता सकते हैं। यह भी हो सकता है कि आप बहुतों को प्रभु के पास ले आए हो, बावजूद इसके भी वो कौन सा फ्रूट था, वो कौन सी चीज थी, वो कौन सी बात थी जो क्राइस्ट आप में देखना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी थी, वो उसकी आवश्यकता थी। आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स, जिनकी आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह समस्त मानव जाति की जीवित आशा है। क्राइस्ट इज द होप फॉर ऑल नेशंस। और मैं इसको थोड़ा सा पलट करके ऐसे बोलता हूं, सेम लाइक दैट अ क्रिश्चियन इज अ होप फॉर ऑल नेशंस। एक बिलीवर ही तो सारी दुनिया की आशा है, एक बिलीवर नॉन बिलीवर्स की जीवित आशा है। एक बिलीवर ही है जो नॉन बिलीवर्स को क्राइस्ट तक पहुंचाएगा। और ऐसे में नॉन बिलीवर्स लोग आपके पास अपनी नाना प्रकार की समस्याओं को लेकर के, नाना प्रकार की उलझनों को लेकर के, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को लेकर के आपके पास आ सकते हैं। और यदि आप प्रभु यीशु मसीह के अभिषेक, प्रभु यीशु मसीह की पोजीशन में होकर के, प्रभु यीशु मसीह में होकर के, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा में, उसके दिल में, उसके दिमाग में, उसके व्यवहार में होकर के यदि आप उनको संतुष्ट ना कर पाए, उनको उनकी आवश्यकता का उत्तर ना दे पाए, तो क्या होगा फिर वहां पे? और पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, मजबूरीवश प्रभु यीशु मसीह को अंजीर के पेड़ से कहना पड़ा कि अब से कोई तेरा फल ना खाए। इसका मतलब यह था कि अब से कोई तेरी तरफ अट्रैक्ट होकर के धोखा नहीं खाएगा, क्योंकि अब से तेरी तरफ का जो अट्रैक्शन है, तेरा अट्रैक्शन भी खत्म हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने 10 सिक्के की बात बताई थी ना, एक सिक्का दिया, दो दिया, तीन दिया, हरेक ने कुछ कुछ कमाया उन सिक्कों से। एक के पास एक था, उसने उसको जमीन में गाड़ दिया, और जब प्रभु यीशु मसीह आए हिसाब लेने के लिए तो उसने बोला कि मेरे पास एक है, तूने एक दिया था, एक ही है। उसने वो भी उससे लिया और उसको दे दिया जिसके पास ज्यादा था। बाइबल की ये शिक्षा हमें सिखाती है कि जिसके पास है और उसने उसका सदुपयोग नहीं किया, उससे लेकर के उसको दे दिया जाएगा जिसके पास ज्यादा है, जिसने थोड़े से ज्यादा कमा लिया है, ताकि लोग धोखा ना खाएं। इस अंजीर के पेड़ के पास जो खूबसूरती थी, जो हरे पत्ते थे, जो मजबूती थी, प्रभु यीशु मसीह ने इससे वो भी ले ली और किसी और को दे दी, ताकि अब से कोई धोखा ही खाएगा जा। हो सकता है कि लोग धोखा खाकर के इसके पास आ जाए, फिर निराश, हताश और अपनी पहली दशा से ज्यादा दुखी दशा में से इसके पास से लौट नहीं पाए। आप मेरी बात को समझ रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने एक हरे भरे मजबूत अंजीर के पेड़ से धोखा खाया। उसमें उसको उसकी आशा के लिए वो गया था, अपनी ख्वाहिश के लिए वो गया था, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो उसमें गया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अंजीर के पेड़ में से एक धोखे, डेकोरेशन के अलावा कुछ नहीं पाया। आज भी डेकोरेटेड क्रिश्चियन लाइफ की कमी नहीं है, ऐसे अट्रैक्टिव क्रिश्चियन जीवनों की कमी नहीं है, लेकिन उनके घर से, उनके जीवन से लोग खाली हाथ, निराश, हताश, उदास और परेशान ही लौटते हैं। जैसी दशा में वो उनके पास गए थे, वो वैसी ही दशा में उनके पास से आ जाते हैं। मैं सोचता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, क्योंकि वो यहां मुझसे भी बात कर रहा है। आपको और मुझे अपने अपने जीवन का मूल्यांकन करने की आवश्यकता, और आपको और मुझे अपने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के वचन की अधीनता में लाके पवित्र आत्मा की अगुवाई में ऐसा बनाने की आवश्यकता है कि जब लोग आपके पास आएंगे, संसार के लोग, अन्य जातीय लोग, नॉन बिलीवर्स जब आपके पास आए, तो आप ये प्रार्थना करना शुरू करें आज अभी और इसी वक्त से अपने लिए कि प्रभु मुझे ऐसा आशीषित बना कि मेरे जीवन से, मेरे घर से लोग निराश और हताश वापस ना लौटने पाए। जैसी दशा में वो मेरे पास आए, वैसी ही दशा में वापस लौट ना जाए, क्योंकि आज भी बहुत सारे खूबसूरत अंजीर के पेड़ सरीखे मसीह जीवन है जो धोखे का काम करेंगे, सेटिस्फाई नहीं करेंगे, धोखा दे देंगे लोगों को, और लोग ठगे जाएंगे ये सोच करके कि ये व्यक्ति से मुझे एक सही राह मिल सकती है, इससे मुझे सही आशीष मिल सकती है, सही डायरेक्शन मिल सकती है, इससे मुझे प्रभु यीशु की ओर से शांति, आनंद, चंगाई और छुटकारा मिल सकता है, या इस व्यक्ति के माध्यम से परमेश्वर से मैं सही सही सलाह, सही मार्ग पा करके जीवन में आगे प्रवेश कर सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं।
और ये कोई और नहीं, वो लोग होंगे जो आराधना करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल का प्रचार करते हैं, जो बाइबल की सभाओं में जाते हैं और लोगों को सिखाते फिरते हैं, उन्हीं के जीवन सूखे, फ्रूटलेस, निष्फल रहने के चांसेस हैं। यहां साफ शब्दों में लिखा है, दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी प्रभु यीशु मसीह को, उसकी अपनी नीड थी। वह दूर से अंजीर का हरा पेड़ देख करके, और एक हरे भरे पेड़ को देख करके कोई भी धोखा खा सकता है। प्रभु यीशु मसीह उसके पास गए अपनी ख्वाहिश को लेकर के, अपनी आवश्यकता को लेकर के, उनकी नीड थी, करंट नीड थी। ऐसी बहुत सारे लोग दुनिया में से कहां से आपके पास आ सकते हैं। लोग आपके पास इसलिए आते हैं प्रियो कि आपके माध्यम से उन्हें जीवन का सही रास्ता मिल जाए, आपके द्वारा से उनका उनकी समस्याओं से छुटकारा हो जाए, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा से परमेश्वर की ओर से उनके जीवन में शांति, चैन, विश्राम और राहत आ जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन लोगों को निराश लौटना पड़ेगा, हताश लौटना पड़ेगा, उदासी के मारे लौटना पड़ेगा, और वो यही कहेंगे कि मैं गया तो था वहां पे, लेकिन धोखा, मुझे वहां पे धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला, धोखे के अलावा। बहुत चौकस होने की आवश्यकता है। अंजीर के पेड़ सरीखे हमारे जीवन ना हो, इसका प्रयास आपको खुद ही करना है। आप इसका प्रयास करेंगे कि आपके जीवन से लोग धोखा ना खाएं। आज अभी और इसी वक्त से आप प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके वचन की अधीनता में, पवित्र आत्मा की डायरेक्शन में जीवन जीना और बिताना शुरू करें, और उससे कहें कि प्रभु मुझे वो फल दे कि मेरे पास किसी भी प्रकार का व्यक्ति जब आए तो वो यहां से, मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे पास से निराश, हताश और खाली हाथ ना लौटने पाए। वो जिस दशा में आया उसी दशा में तो यहां से वापस नहीं जाना चाहिए। प्रभु आपको प्रयास करना है। इस अंजीर के पेड़ की कहानी को आप याद रखिएगा। इसी के साथ साथ मैं आपको एक सच्ची दाखलता के बारे में भी बताता हूं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में। अंजीर के पेड़ से धोखा पाया गया, अंजीर के पेड़ में छलावा था, वो था तो कुछ और दिख रहा था, कुछ और। ऐसे ही बहुत सारे मसीह जीवन हो सकते हैं कि वास्तव में तो हम कुछ और हैं लेकिन हमारी बातें कुछ और होती है। हमारा वास्तविक जीवन तो कुछ और होता है और जो बाहरी रूप है वो कुछ और होता है। हम अंदर से कुछ और बाहर से कुछ होते हैं। अगर ऐसा है तो आज आपको और मुझे सही होने की आवश्यकता है। ये अंजीर के पेड़ की दशा ऐसी ही थी, ये बाहर से तो कुछ और था, अंदर से कुछ और था। ये बाहर से तो बिल्कुल सही, परिपक्व, परफेक्ट सही था, लेकिन अंदर से इसमें वो चीज नहीं थी जो किसी को सेटिस्फाई कर सके, किसी के प्राण को तृप्त कर दे, किसी के प्राण को बहाल कर दे, किसी के जीवन के सूखेपन को दूर कर दे, तरोताजगी और उसके अंदर एक नयापन ले आए। ऐसी चीजें उसके जीवन में नहीं थी। और प्रभु यीशु मसीह को इसे ये कहना पड़ा कि अब से कोई नहीं खाएगा तेरा फल। इसका मतलब तू पूरी तरह से सूख करके खत्म हो जा कि तेरा अट्रैक्शन भी जाता रहे कि लोग धोखा ना खाए, धोखा ना खाए तुझसे। बाइबल में ऐसे लिखा है कि तुम्हारे बदले हुए व्यवहार को देख करके, तुम्हारे बदले हुए चाल चलन को देख करके लोग तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करेंगे। अगर मान लीजिए आपके मेरे जीवन से लोगों को आशीष मिली तो वो यही कहेंगे कि धन्य है आप और धन्य है आपका खुदा, परमेश्वर को महिमा मिली। अगर मान लीजिए किसी मसीह जीवन से ऐसा नहीं होता, लोग कहते हैं कि ये मसीह तो है लेकिन इसके जैसा हमने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा, चोट पहुंचाने वाला, दुख पहुंचाने वाला, अपमान करने वाला, सुखा देने वाला व्यक्ति, तो परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को मजबूरन ये कहना पड़ेगा कि अब से इस मसीह विश्वासी का फल कोई ना खाने पाए, इसको सुखा के खत्म करो। ये ठोकर का कारण भी क्यों बन जाए, ये धोखे की वजह भी क्यों बन जाए, ये किसी को रुलाने, तड़पाने और उसकी चिंताओं को और बढ़ाने की वजह भी क्यों बन जाए। मेरे साथ निकालिए आप सच्ची दाखलता, गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 15, योहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय, सच्ची दाखलता, ट्रू वाइन, प्रभु यीशु मसीह सच्ची दाखलता है। लिखा है सच्ची दाखलता मैं हूं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं वाली बात, और मेरा पिता किसान है। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है,
प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं सच्ची दाखलता हूं, प्रभु यीशु मसीह के पास आने वालों को कभी धोखा नहीं मिलता, प्रभु यीशु मसीह में कोई झूठ कोई फरेब नहीं है, कोई धोखाधड़ी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह खरी सच्ची दाखलता है। और पांच अध्याय योहन्ना 15 अध्याय के 5 पद में यीशु ने कहा मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। कितनी बेहतरीन बात है कि आप डालियां उस सच्ची दाखलता की हैं जिसमें सच्चाई पाई जाती है। तो डेफिनेटली अगर जो कुछ दाखलता का सब डालियों का है, एंजॉय कीजिए आप, आनंद मनाइए, जो कुछ दाखलता का है सब डालियों का है। अगर दाखलता सच्ची है तो वही सच्चाई दाखलता में से डालियों में प्रवाहित हो जाएगी। आप डाली होने के नाते कह सकते हैं प्रभु मुझे मेरा आज का पोषण दे, आज का पोषण दे। यदि आज कोई राहगीर, यदि आज कोई किसी प्रकार से आवश्यकता में पड़ा हुआ व्यक्ति मेरी तरफ अट्रैक्ट होता है तो वो खाली हाथ ना जाने पाए। हे सच्ची दाखलता, मैं तेरी डाली हूं और मुझ में तेरे गुण प्रवाहित होने दे, तेरी सत्यता को प्रवाहित होने दे, मुझ में तेरे सारे गुण, जो कुछ दाखलता का है सब डाली का है। अब आपको प्रयास करना है प्रतिदिन दाखलता को सोख लेने का, प्रतिदिन दाखलता में से अपने अपने हिस्से को, अपने भाग को खींच लेने का, रिसीव करने का। उससे रोज कहिए आप इस सच्ची दाखलता से कि हे सच्ची दाखलता, मैं आपकी डाली हूं। ये मेरे लिए आपका, आपकी ओर से बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मैं अभी भी आपकी डाली हूं और जो कुछ आपका है सब मेरा है। मैं आज आपसे अपना पोषण प्राप्त करना चाहता हूं ताकि मैं फलवंत हूं, आपके समान मैं कह सकूं आई एम द ट्रू ब्रांच, मैं सच्ची डाली हूं और मुझ में भी कोई झूठ फरेब नहीं है। अगर मेरी दाखलता में झूठ फरेब नहीं है तो मुझ डाली में भी नहीं है। सोचेत कीजिए आप कि आप किससे जुड़े हैं। आप प्रभु यीशु मसीह की सच्ची दाखलता की सच्ची डाली का जीवन व्यतीत करने का प्रयास करें ताकि संसार के लोगों को, धोखा खाए हुए लोगों को, चोट खाए हुए लोगों को, नुकसान खाए हुए लोगों को, तकलीफ उठाए हुए लोगों को, पीड़ा और तकलीफ में, दर्द और परेशानियों में सफर कर रहे हुए लोगों को आपके पास आकर के चैन और विश्राम मिलने पाए, उनके प्राण बहाल किए जाएं, उनकी जिंदगियां तृप्त की जाएं, उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए और वो आकर के कह सकें कि मैंने धोखा नहीं खाया, मैं सच्ची दाखलता के पास गया, मैंने धोखा नहीं खाया, मैं उस अट्रैक्टिव धोखेबाज अंजीर के पेड़ के पास गया और मैंने धोखा खाया। आप आज से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं धोखेबाज अंजीर का पेड़ बनना नहीं चाहता हूं, मैं सच्ची दाखलता की सच्ची डाली बनना चाहता हूं ताकि जो लोग मेरे पास आए मैं उन्हें सच्चा प्रत्युत्तर दे सकूं, मैं उन्हें सच्ची बात बता सकूं, मैं उन्हें सही चीज दिखा सकूं, मैं उन्हें सही मार्गदर्शन दे सकूं, मैं उनके जीवन में सच्चाई से प्रवेश कर सकूं। ऐसा प्रभु यीशु ने कहा मैं सच्ची दाखलता हूं। आनंद मनाइए विश्वासियों, आपकी दाखलता सच्ची, उसमें कोई झूठ फरेब और धोखा नहीं है, कभी नहीं है। योहन्ना की इंजील उसका 6 अध्याय 37 पद, गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 37, प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छी बात कहते हैं। कहते हैं जो कुछ पिता मुझे देता है, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। जितने उसके पास आएंगे प्रभु यीशु मसीह उन्हें खाली हाथ, एम्प्टी हैंडेड नहीं भेज देंगे, नहीं भेजेंगे, कभी नहीं भेजेंगे उनको, उनको खाली हाथ कभी नहीं भेजेंगे। बहुत बड़ी बात है, जो कुछ मेरा पिता मुझे देता है सब मेरे पास आएगा, और जो मेरे पास आएगा मैं उसे खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। आप ऐसी ही प्रार्थना करें, ऐसा ही प्रयास करें, प्रभु जो लोग मेरे पास आए मैं उन्हें वापस उसी संसार में जाने ना दूं, बल्कि जो मेरे पास आए उन्हें मैं आपके पास पहुंचा सकूं। फिलिप्पुस और अंद्रियास के समान यूनानी लोग आए, प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहते थे, वो पहले फिलिप्पुस और अंद्रियास से मिले। फिलिप्पुस और अंद्रियास ने जाकर के यीशु मसीह से बात की और यीशु मसीह ने उनसे मुलाकात करने का समय दिया, मिलेंगे, बातचीत हुई। आप और मैं बाइबल पढ़ करके अपने लिए यही प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मुझे फिलिप्पुस और अंद्रियास के समान बना कि जब लोग तुझसे मिलने के लिए मेरे माध्यम से आए तो मैं उन्हें आप तक पहुंचा सकूं।
और उनकी समस्याओं के समाधान किए जाए, और ये बात जग जाहिर हो जाए कि यीशु मसीह समस्याओं का समाधान करता है, भूखों को तृप्त करता है, प्रभु यीशु मसीह आवश्यकता में पड़े हों की आवश्यकताओं को पूरा करता है और हम उसका माध्यम है। वी आर द मीडिएटर ऑफ ट्रू वाइन। हम सच्ची दाखलता के मध्यस्थ बन जाए कि लोग जब हमारे पास आए उनको उससे जोड़ दिया जा सके। मैं आपको बस केवल इतना कह के विदा करना चाहता हूं कि आप अपने बारे में प्रार्थना करें। हम अट्रैक्टिव, धोखाधड़ी देने वाले वो क्रिश्चियन डिसाइपल ना बने जो बढ़िया स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड तो हाई मेंटेन करते हैं लेकिन स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड ज्यादा भी नहीं है, जरा भी नहीं है। लोग धोखा खा जाएंगे साहब, चकमा खा जाएंगे, और हम लोगों, हम परमेश्वर से आशीष पाने की बजाय श्राप के ही भागीदार बनेंगे। अगर हम हैं यहां पर, इफ वी आर कॉल्ड बाय हिज नेम, अगर हम उसके नाम के द्वारा से जाने जाते हैं, अगर हम उसके नाम के द्वारा से पुकारे जाते हैं, तो वो आपसे मुझसे एक्सपेक्ट करता है कि जितने लोग इस संसार के अपनी बिलकने वाली दशा में आपके पास आते हैं उनको सेटिस्फेक्शन और तृप्ति मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिली तो हरे पेड़ के पास आकर के कह सकता है कि अब से कोई तेरा फल कभी नहीं खाएगा। सो बी केयरफुल और जांच पड़ताल करें, अपने जीवन का मूल्यांकन करें कि मैं धोखेबाज अंजीर का पेड़ हूं या मैं सच्ची दाखलता की सच्ची डाली जो सही उत्तर दे सकूं। सच्चा, सच्चाई मुझ में पाई जाए। जो कुछ दाखलता का है सब डाली का है, और आप सोख लो उसमें से, ले लो अपना हिस्सा और प्रतिदिन का हिस्सा लिया करो ताकि आप प्रतिदिन लोगों को तृप्त कर सको। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे और संभाल के रखे। पवित्र पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूं इन सब सुनने और देखने वालों को, आप आशीष देना। हे सच्ची दाखलता, ये आपकी डाली है, हमारे लिए ये बड़े आदर और आशीष की बात है कि हम धोखेबाज अंजीर के पेड़ की डालियां नहीं हैं, हम सच्ची दाखलता की डाली हैं। वो सच्ची दाखलता जिसमें कोई झूठ फरेब, कोई धोखाधड़ी नहीं है, जितने उसके पास आते हैं वो सबको तृप्त कर देती है, सबको आसुदा करती है, सबको सरफराज करती है, सबको फलवंत कर देती है, सबको बलवंत कर देती है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी डालियां हैं और हमारे अंदर इस दाखलता के गुण प्रवाहित हो जाए, इस दाखलता की शक्ति और सामर्थ्य प्रवाहित हो जाए, ताकि हम दाखलता की जो डालियां हैं हम भी दाखलता के समान सच्चा उत्तर दे सकें और सही बात लोगों तक पहुंचा सके और सही बात बता सके। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, यदि आज कोई बीमार है तो उसे छूने और चंगाई दें। हे सच्ची दाखलता, बीमारों को चंगा करें और जो दुष्टात्माओं से ग्रसित है उन्हें आजादी दें। इनके प्रश्नों का उत्तर दें प्रभु जी, इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें, इनकी समस्याओं का समाधान करें और अपने आत्मा के द्वारा से सही दिशा में मार्गदर्शन दें कि ये अंजीर का पेड़ नहीं, मैं इन लोगों को आशीष देता हूं, ये अंजीर का पेड़ नहीं सच्ची दाखलता की डाली बनने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे और संभाल कर रखे। शालोम ऑन यू।